रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक, लाहौर से कराची तक, हर तरफ एक ही डर, एक ही दहशत, एक ही सवाल। आखिर भारत में फिर से पीओके की गूंज क्यों सुनाई दे रही है? क्या भारत पीओके पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है? ये डर आम पब्लिक से लेकर रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर और इस्लामाबाद में शरीफ सरकार के हेडक्वार्टर तक एक जैसा है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तो अफवाहें भी उड़ने लगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ताजा बयान ने पाकिस्तान के भीतर उजड़ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। जी हाँ, जरा सुनिए इमरान ने क्या कहा। आज हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकबर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है। अमरीका इराक में और अफगानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए। जी हाँ, खतरे की घंटी। इमरान खान को भारत की बढ़ती ताकत और अमेरिका के साथ भारत की गहराते ताल्लुकात को देखकर खतरे की घंटी सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान के जर को और गहराया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ताजा बयान। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूँ कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री के इस खुले ऐलान ने पाकिस्तान की चिंता और बढ़ा दी है। उसे पीओके पर अपना अवैध कब्जा छूटने के दिन नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। वैसे पीओके पर पाकिस्तान के डर की शुरुआत तभी हो गई थी जब 9 साल पहले केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। पाकिस्तान के इस डर को पहले उरी अटैक के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स ने और फिर पुलवामा हमले के बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक्स ने यकीन में बदल दिया। पाकिस्तान की आवाम भी मान रही है कि भारत बेहद ताकतवर है और पाकिस्तान में भारत का मुकाबला करने की कुवत नहीं है। वो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। हम कुछ नहीं करना चाहते कश्मीर के लिए, हम सिर्फ कश्मीर के नाम पर खाना चाह रहे हैं और वो खा रहे हैं सारे बैठे जिन जिन का भी दाव लग रहा है। अगर ये मुल्क बचेगा तो हम कश्मीर के लिए कुछ सोच सकते हैं, अगर यही ना रहा तो कश्मीर को क्या हम रोएंगे? अपने इनके मसाइल अपनी चीजें हल नहीं हो रही, कश्मीर के बारे में क्या करना है? पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के बढ़ते प्रभाव और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत सरकार की ओर से हालिया बयानबाजी से पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत की ताकत का मुकाबला कर पाना उसके वश में नहीं, इसलिए विध्वंस की साजिशें रची जा रही हैं। रिपोर्ट्स भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पीओके पर भारत के किसी संभावित हमले से पाकिस्तान भयभीत है। भारत की तरफ से किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक या जमीनी हमले की आशंका के बीच पाकिस्तान के एक सीक्रेट प्लान का पता चला है। वो सीक्रेट प्लान है जीरो रेंज के परमाणु बम। पता चला है कि पाकिस्तान ने ऐसे परमाणु हथियार बना लिए हैं जो कि 0 मीटर रेंज से लेकर 2750 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इनके जरिए पाकिस्तान ने समंदर, जमीन और आसमान से परमाणु अटैक की ताकत जुटा ली है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के 25 साल पूरे होने के मौके पर इसके कुछ संकेत दिए। The spectrum encapsulates adequate range coverage from 0 meters to 2,750 kilometers,
as well as nuclear weapons destructive yields at three tiers: strategic, operational, and tactical. India's vast eastern and southern geographical dimensions are therefore entirely covered. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान गुपचुप तौर पर कई दिन से इसकी तैयारी कर रहा था। पिछली इमरान खान सरकार में बड़बोले कैबिनेट मंत्री रहे शेख रशीद भी गाहे बगाहे ऐसे बमों की धमकी देते रहे। अगर खुदा न खास्ता आप आजाद कश्मीर की तरफ बढ़े, अगर आप लाहौर की तरफ बढ़े, तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। हमारे पास हर साइज का मसाला है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है, हमारे पास हर तरह का मसाला है। आप आए सही हम तैयारी में हैं। हालांकि पाकिस्तान में भारत को ऐसी धमकियां देने वालों का हश्र क्या हुआ है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। न शेख मंत्री रहे और न उनकी आका इमरान की सत्ता ही रही। लेकिन इस बार पाकिस्तान के डर की वजह दोहरी है। भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की हैसियत और भारत की ताकत उससे कई गुना ज्यादा है। हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे और उस दौरान अमेरिका के साथ हुई डिफेंस डील से लग जाता है, जिसमें यह तय हुआ है स्वदेशी विमान तेजस के लिए सेकेंड जनरेशन GE-414 जेट इंजन भारत में बनेंगे। अमेरिका जेट इंजन के निर्माण की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। भारत अमेरिका M777 लाइट होविजर तोपों को अपग्रेड करने का काम करेंगे। दोनों देश स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों का साझा उत्पादन करेंगे। अमेरिका के घातक प्रीडेटर ड्रोन भारत को दिए जाएंगे। He realized there's a need for having these drones for, you know, better surveillance and increased maritime domain awareness. Give us advantage of, you know, various technologies that can be, you know, that will be transferred. Technology in terms of, you know, the radar processing, the sensor fusion. A lot of advantages will be there in that, and that will really be a capability boost for us. तो अमेरिका वाली डिफेंस डील से भारत के रक्षा क्षेत्र को और मजबूती मिलना तय। इससे पड़ोस में जो डर फैला है उसका इजहार पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान की आर्मी की टॉप लीडरशिप भले ही खुलेआम न कर रही, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान को इसका इल्म अच्छी तरह है कि आज वो जिनकी 14 महीने से खिदमत कर रहे हैं उन्होंने इनके ऊपर एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की हैसियत बता दी है। हिंदुस्तान है अगला, आपने हिंदुस्तान के अगर इसी तरह उनके चेले बन के रहना तो ठीक है, नहीं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। असल में इसका ये मफहूम निकला। इमरान ही क्या, पाकिस्तान की आवाम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भारत से उनका किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में कोई मुकाबला नहीं। हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर है एज कंपेरिजन टू हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, क्योंकि इनके इंटरनेशनली पाकिस्तान की ऐसा कोई रिकग्निशन है ही नहीं, और जिस तरह हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो उनका एक नाम है। अब ये भले ही इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है, लेकिन जब जैसे कि ये डेवलपमेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अब जो तरक्की कर रहा है, जो हार्डवर्किंग कर रहा है, तो वो ये बंदा डिजर्व करता है। तो दुनिया में भारत का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान की पब्लिक की समझ में आ चुका है, और इस बात का पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी अंदाजा हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान को अब पीओके की चिंता सताई जा रही है।